शेखावाटी इलाके की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सीट का गणित समझे तो 1977 से 6 बार कांग्रेस ने यहां परचम लहराया है। मौजूदा विधायक हाकम अली को कांग्रेस ने एक बार फिर से यह मौका दिया है, जो पिछले चुनाव में भाजपा की सुनीता जाखड़ से केवल 853 वोट से चुनाव जीत पाए थे। वहीं भाजपा टिकट के कई दावेदार बागी के तौर पर यहां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार शिक्षाविद श्रवण चौधरी पर अपना दाव लगाया है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में हमारे संवाददाता कमल जैन ने श्रवण चौधरी से खास बातचीत की। समय सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा के गांव रुकनसर में हूं, जहां पर चुनावी जनसंपर्क के दौरान हमारी मुलाकात हो गई सीएलसीएन इंजीनियर भाजपा प्रत्याशी श्रवण चौधरी जी से। खुद इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने की पढ़ाई की जो तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझा और हजारों हजार इंजीनियर आज पूरे देश में उनके इंस्टीट्यूट दे पा रहा है। भाजपा ने उनकी इस भलमनसाहत को देखा, उनकी सादगी को देखा, उनके समर्पण को देखा और फतेहपुर में कांग्रेस के मौजूदा विधायक हाकम सिंह का मुकाबला करने के लिए उन्हें मैदान में उतार दिया। इस समय मेरे साथ हैं, आइए जानते हैं शिक्षा से राजनीति के पिच पर वो किस तरह से खेल पाएंगे। श्रवण जी नमस्कार। राम राम। शिक्षा से राजनीति का कोई नया पिच नहीं है, वहाँ भी एक सेवा थी। फतेहपुर में 30 साल से बीजेपी नहीं जीत पा रही है, कमल नहीं खिल पा रहा है, तो पार्टी ने मुझे एक आदेश दिया कि आपको जाके कमल खिलाना है, समाज की सेवा करनी है, लोगों के दिलों पे राज करना है, काम करना है, काम वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श्रवण जी का मानना है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का, काम वही है, लेकिन फतेहपुर कांग्रेस के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती है। मौजूदा विधायक हाकम सिंह के भाई भी 3 बार यहां से विधायक रहे हैं, मुकाबला कड़ा है। भाजपा के एक अन्य बागी भी यहां पर मैदान में है, एक पूर्व विधायक भी यहां पर मैदान में है, मुकाबला किस तरह हो पाएगा और भाजपा की और आपकी क्या तैयारी है? पहली बात तो ये कि यहां बागी कोई नहीं है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच है और कांग्रेस के विधायक से 85% लोग यहाँ नफरत कर रहे हैं, एक तो दिन नाराजगी नफरत कर रहे हैं, साइलेंट वोटर हैं। भाजपा का वोटर पढ़ा लिखा है, सभ्य वोटर है, वो चुपचाप भाजपा वोट करेगा और 3 तारीख को रिजल्ट जो आएगा वो राजस्थान को पूरे चुकाएगा। ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं 2 महीने से मैं मैन टू मैन मिला हूँ, मतलब सबसे मिला हूँ, आश्चर्यचकित रिजल्ट और मेरे लिए सुखद रिजल्ट, और मेरी पार्टी के पदाधिकारियों ने, मेरे अग्रजों ने मुझे जो चैलेंज दिया है, मतलब मौका दिया है कि तेरे पास चैलेंज है, हम उसको पूरा करके वहां लेके जाएंगे। भाजपा की मजबूत टीम है यहाँ, भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता यहाँ, 2.5 लाख वोटों में से 1.5 लाख वोट भाजपा विचारधारा के हैं, लेकिन अब तक लोग थोड़े भोले थे यहाँ, तो लोग उनको मिसगाइड करके डिस्टर्ब करते रहते थे, अब फतेहपुर अवेयर हो गया है, हम जैसे बच्चे यहाँ गाँव में पढ़ आगे आगे, इसलिए उन जो अपने आप को बागी कहते हैं, नाराज कहते हैं, उनकी बात नहीं बनने वाली है और करीब करीब 1.25 लाख वोट इस बार यहाँ कमल के निशान पे आएंगे। पहले भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर सबको चौंकाया और श्रवण चौधरी खुद कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को आने वाला परिणाम राजस्थान की राजनीति में चौंकाने वाला होगा और 30 साल बाद एक बार फिर यहां से कमल खिलेगा। अभिजीत शर्मा के साथ कमल जैन, A1 TV जयपुर।